हिंदुस्तान की हेडलाइन है कड़ाके की ठंड, नए साल पर दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, आज बढ़ेगा और प्रदूषण। नए साल के आगाज के साथ ठंड ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले दो दिन से दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड बढ़ गई है। सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक साल के पहले दिन राजधानी को कोहरे और वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री मापा गया। कोहरे की वजह से दिल्ली में 5 डोमेस्टिक और 7 इंटरनेशनल फ्लाइट लेट हो गई हैं, वहीं एक रद्द कर दी गई है। साल 2017 के अंतिम दिन कोहरे के कहर से रेल और हवाई यात्रा करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार सुबह घने कोहरे के चलते दृश्यता घटकर करीब 50 मीटर रह गई। इसके चलते इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 350 से ज्यादा विमानों की उड़ान प्रभावित रही। हवाई अड्डे के एक अधिकारी के अनुसार 270 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई और करीब 50 उड़ानें मार्ग बदलकर अन्य हवाई अड्डों की तरफ भेजी गईं। तीन तलाक बिल, राज्यसभा में अपराध को जमानती बनाए जाने की मांग कर सकती है कांग्रेस। लोकसभा में पास हो चुका तीन तलाक बिल इस सप्ताह राज्यसभा में पेश किया जाना है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी गिनाई थी। कांग्रेस चाहती थी कि बिल में एक बार में तीन तलाक कहने को अपराध बताने वाले क्लॉज को हटा दिया जाए, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा में पार्टी अपना स्टैंड बदल सकती है। दरअसल इस विधेयक में एक बार में तीन तलाक को अवैध करार दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसे गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस अब सरकार से मांग कर सकती है कि इसे जमानती अपराध बनाया जाए। कांग्रेस का मानना है कि बिल में किए गए प्रावधान के तहत शौहर को जेल जाना तय होगा और ऐसे में इसका असर पीड़ित महिला को मिलने वाले मुआवजे पर पड़ सकता है। साथ ही दोनों के बीच सुलह की कोशिशों को भी इससे झटका लग सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व सिर्फ इस मुद्दे पर फोकस करते हुए बाकी बिल को पूरा समर्थन देने के पक्ष में है। पार्टी में इस मुद्दे पर चल रहे मंथन से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की छवि को लेकर काफी सचेत हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस तीन तलाक बिल की राह में रोड़े के रूप में नजर आए। राहुल को इस बात का एहसास है कि उनके पिता राजीव गांधी के शासनकाल में हुए शाहबानो प्रकरण ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। नए साल के संबोधन में उत्तर कोरिया के तानाशाह की यूएस को धमकी, परमाणु बम का बटन हमेशा मेरी टेबल पर रहता है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने नए साल के एक संदेश में आज कहा कि परमाणु हथियारों का लॉन्च बटन हमेशा उसकी पहुंच में है। पिछले कई महीने से उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर विश्व स्तर पर तनाव की स्थिति है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र होने के अपने दावों को दोहराते हुए किम ने कहा, परमाणु हथियारों का लॉन्च बटन हमेशा मेरी पहुंच में है, ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि वास्तविकता है। नए साल के संबोधन के मौके पर ग्रे सूट और टाई में नजर आए किम जोंग ने कहा कि उनके देश ने अपने परमाणु ताकत के लक्ष्य को हासिल कर लिया है और अब परमाणु बटन हमेशा उनके टेबल पर रहता है। तानाशाह किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका को जानना चाहिए कि परमाणु बम का बटन मेरी टेबल पर है। अमेरिका का पूरा मेनलैंड इलाका हमारे परमाणु रेंज की जद में है। अमेरिका मेरे और मेरे देश के खिलाफ कभी भी युद्ध शुरू नहीं कर सकता। नए साल का आगाज, भारत समेत दुनिया भर में जश्न, पीएम मोदी ने दी बधाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में लोगों ने जोशो खरोश के साथ नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में नए साल के स्वागत के लिए कई होटल और रेस्तरां में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मुंबई में पब की आग की घटना के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने रेस्टोरेंट और होटल प्रबंधन से विशेष एहतियात बरतने को कहा था। रात के 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया और लोगों को सोशल मीडिया के जरिए न्यू ईयर विश किया। नववर्ष के मौके पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बृहन मुंबई महानगर पालिका इमारत को रोशनी से सजाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक बदलाव के साथ नए साल में पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाने की उम्मीद जताई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके देशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। न्यू ईयर पर क्रैश हुआ व्हाट्सएप, लोगों ने ट्विटर पर जाकर किया नाराजगी का इजहार। न्यू ईयर 2018 पर व्हाट्सएप ने लोगों को परेशान किया। लाखों लोग इसके लिए अपनों को नए साल की बधाई देने के लिए मैसेज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसी दौरान व्हाट्सएप डाउन हो गया। लोगों ने व्हाट्सएप की नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जाकर जताई। दुनिया के कई हिस्सों में व्हाट्सएप के डाउन होने को लेकर शिकायतें मिली। कंपनी ने अपनी तरफ से फिलहाल कोई सफाई नहीं दी है।